के सामने जिसने हाथ जोड़े बुजुर्ग होने की दलील भी दी, कम सजा हो इसके लिए अपील की, लेकिन मुख्तार का खेल अब खत्म हो गया, उसके साम्राज्य का योगी ने सर्वनाश कर दिया। माफिया मुख्तार अंसारी यूपी का एक बहुत ही जाना माना नाम, जिसकी दहशत से लोगों की रूह कांप जाती थी। लोग इसका नाम सुनते ही थरथर कांपने लगते थे। अपराध और राजनीति के गंदे गठजोड़ का खूब फायदा उठाया था मुख्तार अंसारी ने। इसके आपराधिक मंसूबों का शिकार होने के बाद भी, इससे प्रताड़ित होने के बाद भी लोग इसके खिलाफ गवाही देने से कतराते थे, लेकिन अब हालत इतनी पस्त हो गई है कि कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, गुहार लगानी पड़ रही है कि कम सजा, नहीं तो ये बात बात पर मूछों पर ताव देने वाला था। न प्रशासन को, न कानून व्यवस्था को कुछ नहीं समझता था, सबको अपने जूते की नोक पर रखता था। लेकिन योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी के नापाक मंसूबों में इतने छेद किए कि वो समझ ही नहीं पाया कि अचानक उसके साथ ये हुआ क्या। सोचिए, 605 करोड़ से अधिक की संपत्ति का मालिक था मुख्तार अंसारी, लेकिन योगी राज में सब मिट्टी में मिल गया। योगी राज में माफिया के खिलाफ न सिर्फ अदालतों में प्रभावी पैरवी चल रही है, बल्कि एक के बाद एक उसे अपने किए की सजा भी मिलती जा रही है। अंदर कोर्ट की सजा उसे खोखला बना रही है, वहीं बाहर योगी सरकार उसके साम्राज्य को नेस्तनाबूत कर रही है। योगी सरकार अब तक मुख्तार अंसारी की करीब 605 करोड़ की संपत्ति ध्वस्त कर चुकी है। योगी सरकार ने जैसे ठान ली है, ऐसे माफिया को तोड़कर ही दम लेना है। सोचिए, पिछले 15 दिन में माफिया को 7 मामलों की सजा सुनाई जा चुकी है, जिसमें उम्र कैद जैसी अधिकतम सजा भी शामिल है। मुख्तार के खिलाफ 65 मामले दर्ज हैं, जिसमें उसके 292 सहयोगियों के खिलाफ अब तक 160 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मुख्तार के तो 186 सहयोगियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है, कई तो मुख्तार की हालत देख सरेंडर कर चुके। मुख्तार गैंग के 18 सदस्यों ने किया सरेंडर। 2017 से यूपी की सत्ता पर विराजमान हुए योगी की ये जीरो टॉलरेंस की नीति का नतीजा ही है कि माफियाओं का दम निकल रहा है, और जो लोग माफिया के दम पर उछला करते थे उनके भी होश ठिकाने लग रहे हैं। मुख्तार के माफिया नेक्सस के बड़े बड़े साथी हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने इस नेक्सस के पास 175 अवैध हथियार बरामद किए। माफिया के गैंग के लोगों में योगी का खौफ इस कदर व्याप्त हो गया है कि 18 सदस्यों ने तो हथियार डाल देने में ही भलाई समझी, सरेंडर कर दिया। माफिया की गैंग के 5 शूटर्स पुलिस मुठभेड़ में पहले भी ठेर किए जा चुके हैं। और अगर माफिया के साम्राज्य की विस्तार से बात करें तो माफिया के आर्थिक साम्राज्य में जैसे योगी ने एक ईंट भी नहीं छोड़ी है, सब कुछ तहस नहस कर दिया। योगी राज में हर साल माफिया को 215 करोड़ की चपत। माफिया को आर्थिक तौर पर भी तोड़ने में योगी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। माफिया के आर्थिक साम्राज्य को नेस्तनाबूत करने के लिए धारा 14(1) के तहत 317 करोड़ 97 लाख 90,709 रुपए की संपत्ति अब तक जब्त की जा चुकी है। 287 करोड़ 56,810 रुपए की अवैध संपत्ति भी कब्जा मुक्त की जा चुकी है। अब तक कुल 604 करोड़ 98 लाख 47,519 रुपए की माफिया की संपत्ति या तो जब्त हो चुकी है, या फिर ध्वस्त हो चुकी है, या फिर उसे कब्जा मुक्त किया जा चुका है। माफिया के आतंक से चलने वाले ठेके, टेंडर और अवैध व्यवसायों पर भी योगी ने जबरदस्त वार किया है। इसका ही तो नतीजा ये रहा कि हर साल माफिया के अवैध धंधों को 215 करोड़ से ज्यादा की चपत लगी है। वहीं अगर माफिया को सजा मिलने के दौर की बात करें तो ये सिलसिला 21 नवंबर 2022 को शुरू हुआ था। प्रभावी पैरवी के चलते पहली बार पुलिस इसे कानूनी दावपेच में पटखनी देने में सफल हो पाई थी। लखनऊ के आलमबाग थाने में साल 2003 में जेलर को धमकाने के मुकदमे में मुख्तार अंसारी को एडीजी कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया था, जिसे सरकार ने फिर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। फिर इसी मामले में मुख्तार को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसी तरह एक के बाद एक मुख्तार को पता भी नहीं चला और वो अपने ही किए गए कारनामों में फंसता चला गया, अपने ही बनाए दलदल में धंसता चला गया। यूपी के बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को अभी शुक्रवार को ही कोर्ट ने 1997 के एक धमकी के मामले में सजा सुनाई है, जिसे मुख्तार अंसारी टूट गया है और रहम की भीख मांगने लगा है। मुख्तार ने दोनों कर सिर झुकाकर कोर्ट से अपनी सभी सजाएं एक साथ चलाए जाने की गुहार लगाई तो कोर्ट ने ये गुहार स्वीकार कर ली है। इस पर जज ने मुख्तार की दलील को स्वीकार कर लिया है और एक साथ सभी सजाएं चलाने का ऐलान किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस जीवन में मुख्तार अंसारी को अभी क्या क्या देखना और बाकी है।
77 कैमरों से पूरी जेल पर निगरानी रखी जाती है। जेल में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिससे कि मुख्तार को अब किसी भी तरह से यहां से निकलने का मौका न मिल पाए। वैसे योगी राज में जो हालत हुई है मुख्तार अंसारी की, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मुख्तार अंसारी के खत्म हुए साम्राज्य पर आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।